Hello, guys. Wait a minute. Yeah, boy. तो हेलो गाइस, आ चुके हैं कनी वेडी के साथ वापस से। एंड यार दोबारा से हम लोग खेलने वाले हैं क्लैश रॉयल। एंड अब की बार यार हमारा मैचअप हो गया है ऑरेंज जूस के साथ। देखते हैं भाई हम लोग इसको 2v2 बैटल में हरा सकते हैं या फिर नहीं। तो ये ड्राफ्ट चैलेंज है यार 2v2 का, जो पार्टी मोड में है। हाँ पार्टी मोड में ही है ये। देखो भाई कैसा रहता है मैच। रॉयल गोस्ट चैलेंज है ये, रॉयल गोस्ट ड्राफ्ट चैलेंज इसका पूरा नाम ये है। तो देखते हैं भाई हम लोग जीत पाते हैं ऑरेंज जूस से या फिर नहीं। तो भाई अभी तक तो बढ़िया चल रहा था अपना वो, एक रॉयल गोस्ट तो बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो गया था, उसके अभी नहीं हुए थे कनेक्ट। ऑल्सो उसका मेगा नेट के भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ ले गए भाई हमारे रॉयल गोस्ट। एंड यहाँ पर ये रॉयल जेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छा टैंक किया, बट यार उनका बहुत बढ़िया सा एक पुश आ रहा था उस तरफ से, तो उसको बस डिफेंड करना था हमको इस वाले टावर को, और नए वाले टावर जाता हमारा बहुत बुरी तरीके से। बट ये गॉब्स ने भाई थोड़ा सा डिफेंड कर ही लिया यहाँ पर बढ़िया तरीके से। तो अभी मतलब विन विन सिचुएशन थी, दोनों टीम्स ठीक ठाक मतलब डैमेज पे थी। उनका 1416 हो गया था, हमारा 1805, मतलब दोनों टावर हमारे डैमेज हो गए थे, बट वहाँ पे मिनियंस अपने पहुँच चुके थे एंड देन उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया यार। मतलब लिटरली आधे से ज़्यादा ही ले गए वो टावर को। तो दोबारा से रॉयल कोर्ट सारे आ चुके थे उनके एंड सामने, बस अपने सामने सामने से अपने भी आ गए थे एंड उन्हें संभाल लिया पूरा एरिया वो वाला। देखते देखते भाई सेकंड वाले टावर में भी अपने वो चिपट गया था एक अपना ट्रूप, तो वहाँ पर सही हो गया। एंड यहाँ पर भाई रॉयल गोस्ट की भाई बारात आ गई थी पूरी, दोनों बारात बैठ रही थी आपस में, बट यार उनके मेगा नेट ने एक ही बारी में ख़त्म कर दिया सारे रॉयल गोस्ट को एक स्प्लैश में। इतने में यार पीछे से एक और आर्मी आ गई और बूम बाम यहाँ पर चल ही रहा था। इतने में उनका वो आ रहा था यार ये लावा हाउंड, ये बहुत दिक्कत देता है यार अगर इसको संभाला ना जाए तो। उसको देखते देखते उन्होंने संभाल ही लिया पूरे मिनियन होर्ड ने सबको संभाल लिया यहाँ पर। बट अब ठीक था, उनके सारे ट्रूप्स मर चुके थे, हमारे काफ़ी तगड़े चले गए थे सारे आगे एंड उनके एक टावर भी डिस्ट्रॉय कर दिया भाई देखते देखते। रॉयल गोस्ट में भाई ये बढ़िया बात होती है कि वो अगर किसी के ऊपर अटैक नहीं करता तो वो चुपचाप चले जाता है जब तक वो विजिबल नहीं होता, जब तक वो अटैक नहीं करेगा। बस यही इस कार्ड की खासियत है यार, इसलिए ही ये ड्राफ्ट चैलेंज आया गया था कि लोगों को मिल जाए वाला कार्ड भी। तो दोबारा से यार वहाँ पे आ गए थे बहुत सारे रॉयल गोस्ट, हमको जल्दी से उनको वो करना था। तो हमने बढ़िया मतलब उनका भी एक हमारा भी एक चला गया था, उनका भी एक चला गया था, बट उनके जो सेकंड टावर था ना उसकी भी हेल्थ 55 ही बची थी बस। तो अगर हम लोग कोई स्पेल भी कर देते तो हम लोग वैसे ही जीतने थे। एंड फाइनली यार यहाँ पर दोनों तरफ से पुश आ रहा था बढ़िया बढ़िया, हमारा 464 पहुँच गया था, डर था लेकिन यार ये स्पेल फाइनली आया एंड बूम ऑरेंज जूस को हमने भाई फाइनली हरा दिया यार। ओके तो अब यार ये सेकंड मैच अब देखने को मिलेगा हमको, ये सेकंड मैच है दूसरा वाला। तो यार सेकंड वाले मैच में अब देखते हैं हम कैसे खेल पाते हैं। एंड यार ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस ड्राफ्ट था, मतलब आप जो भी आपको ट्रूप मिलेंगे उनके आपको एंटी ट्रूप्स भी मिलेंगे, मतलब कि मतलब जैसे आपने उसको कोई ट्रूप दिया तो आपको भी ऐसा एक ट्रूप अगली बार में मिल जाएगा जो उस ट्रूप को कॉन्कर कर सके आगे की तरफ में। तो भाई बहुत ही बैलेंस ड्राफ्ट है आपकी बारी का, तो देखते हैं इसमें हम लोग कैसे कर पाते हैं। ड्राफ्ट चैलेंज भाई इसलिए लाया गया था क्योंकि रॉयल गोस्ट बहुत ही बढ़िया ट्रूप है वैसे अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक तो उसका स्प्लैश डैमेज है, मतलब अगर आप उसको स्केल आर्मी या फिर किसी भी छोड़ते हो तो एक बार तलवार मारेगा और काफ़ी सारे मर जाएंगे सॉरी। तो ऐसे ही रहता है, तो देखते हैं हम लोग इस वाले मैच में कैसे खेल पाते हैं। तो अभी बढ़िया सा चल रहा था अपना मैच एंड हमारा डैमेज हो चुका था टावर, बट उनके टावर से हमारे रॉयल गोस्ट का कनेक्शन नहीं हो पाया था, तो थोड़ा सा अभी हमको डर लग रहा था कि भाई हम लोग कैसे करते हैं अभी। लेकिन यार दो रॉयल गोस्ट यहाँ पर यहाँ से जा चुके थे अपने जो टावर पे, एक जा करके कनेक्ट हो गया वहाँ पर।
एंड उसने थोड़ा बहुत डैमेज कर ही दिया था भाई, जितना चलता है मतलब। और यहाँ पर फ्रीज ने जो हमारी मदद करी वो भाई और कोई नहीं कर सकता था। अगर फ्रीज नहीं होता हमारे पास तो भाई वाला टावर हम लोग कभी नहीं जा पाते, एंड वाला टावर इतनी जल्दी ख़त्म हो गया कि भाई वो भी सोच रहे होंगे भाई ये क्या हो गया। तो देखते देखते यार यहाँ पर दूसरा वाले टावर पे भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया हम लोगों ने, हमारे रॉयल घोस्ट ने। एंड उनका भी एक बढ़िया पुश आ रहा था, बट यार हमारी जो स्नोबॉल थी और ट्रूप्स हमने आगे से लगाए हुए थे स्प्लैश डैमेज वाले, उन सब ने संभाल लिया बहुत अच्छा। एंड देन यार यहाँ पे भसड़ मच चुकी थी पूरी, उनके जैपीज, रॉयल घोस्ट और ये क्या बोलते हैं अपने रॉयल रिक्रूट सारे आ रहे थे भाई, पूरी आर्मी बना दी थी उनने, होर्ड बना दिया था। बट एक हमारे लाइटनिंग स्पेल ने पूरा ख़त्म कर दिया उनको। एंड अब हमारी आर्मी जा रही थी यार वहाँ पर देखने के लिए उनको, उसकी बहुत परफेक्ट फायर बॉल आई बट सारे ट्रूप्स को नहीं ले पाई और उनके ट्रूप्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, मतलब बहुत ही कम कुछ कर पाते वो। हमने तो सोच लिया था कि भाई हमारे वाला टावर जाएगा, बट यहाँ पर हमारे ट्रूप्स ने हमारे काफ़ी ज़्यादा बचा लिया। एंड दनियारी एक्सबो लगा करके इसने बहुत बढ़िया काम किया, जिससे हमारे सारे ट्रूप्स विजिबल हो गए और उनके ट्रूप्स ने हमारे ट्रूप्स को मार दिया। बट यहाँ पे हमने अपना रॉयल जायंट भेजा है भाई, ये तो सीधे जाके टावर पे ही चिपकता है, तो इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डैमेज कर दिया था ये वाले टावर को, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा कम कर दिया था इसको इसने। और भाई ख़त्म ही कर दिया, उसके लास्ट एक बुलेट बची थी और वो टावर ख़त्म। एंड भाई ये टीममेट ने क्या करा ये, मतलब भाई उसने बहुत ज़्यादा मिस टाइम हो गया, मतलब वो भी सोच रहे होंगे हमारे ओपोनेंट्स के भाई क्या ही कर दिया भाई इसने। बट यार हमारे इतने सारे रॉयल घोस्ट ना उसके मेन वाले टावर पर जाके चिपट गए थे, हालांकि हमारा सेकंड जा चुका था लेकिन उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। इनका जो मेन टावर था भाई वो हमने आधे से भी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। एंड भाई अभी हमारी बहुत बढ़िया सिचुएशन चल रही थी, हम लोग बस मौका ढूंढ रहे थे कि हम लोग कैसे ट्रूप्स भेजें जो उनके डायरेक्ट टावर पर जाके चिपटे। एंड देन हमने अपने रॉयल हॉक्स करे एंड अपने रॉयल घोस्ट भी वहाँ पर पहुँचने वाला था जस्ट, बट यार उसके उस समय उस हमारे ओपोनेंट्स के जो रॉयल घोस्ट हैं वो विजिबल थे, इसलिए वो गया नहीं टावर पर डायरेक्टली। देन यहाँ पर तो हमने उनके सारे ट्रूप्स को काउंटर कर ही दिया था। एंड हमने यहाँ पे एक रॉकेट भेज दिया भाई कि मतलब डैमेज मिलते रहे अपन को यहाँ से बढ़िया तरीके से। एंड देन रॉयल हॉक्स भेजे, रॉयल जायंट भेजे, एंड रॉयल जायंट तो भाई कनेक्ट होने से पहले ही मर गया, मतलब बस दो बुलेट्स मारी उसने, लेकिन भाई उसके दो बुलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर जाती हैं। वहाँ पे अपना एक मिनियन पहुँच के भाई वहाँ पे मार रहा था उनके टावर पे, बट वो क्या ही करता है, फिर भी एक अपना वो मार ही गया ड्रॉप जो भी होती है वो। एंड देन यहाँ पर भाई अपने लाइटनिंग स्पेल्स एंड स्पेल्स ने बहुत ज़्यादा मदद करी इस वाले मैच में भी, उनकी सारी जो आर्मी बना करके भेज रहे थे वो सारी आर्मी उनकी ख़त्म हो जा रही थी। एंड देन मैंने सोचा कि भाई अपने रॉयल जायंट को बिल्कुल साइड से भेजते हैं क्योंकि वो उस पर चिपक जाएगा, लेकिन यार जैपीज ने जो इसको एकदम एक मिनट के लिए स्टन किया था तो वो टावर से मुड़ करके एक्सबो पे आ गया और उसने सारा डैमेज एक्सबो ने सोक कर लिया यार। बट कोई नहीं, हमारा हमने माइनर वहाँ पे बार बार साइकिल कर रहे थे जिस वजह से उनके बहुत कम मतलब अब एचपी बची थी, 671 बची थी यार सिर्फ, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था 671 ले जाना। तो हमने सोचा कि एक रॉकेट ही मार ही देते हैं, जल्दी पे नमक छिड़क जाएगा, तो एक रॉकेट भेजा जल्दी से मेरे टीम मेट ने एंड बुम 301 बची यार सिर्फ, तो 301 तो कोई भी ले जा लेगा। अपने रॉयल घोस्ट जा ही रहे थे बट यार उसके जो एक्सबो ने था फिर उसको बचा लिया, तो हमने सोचा भाई थोड़ा सा अभी यहाँ पर टैंक करने के लिए अपने रॉयल घोस्ट को इधर ही मरवा देते हैं एंड देन माइनर उधर भेजेंगे। तो माइनर ने भी अपना काम कर ही दिया एंड 176 हेल्थ बची थी यार सिर्फ अब। एंड कोने से हमने एक बैंडेड भेजी जिसने अपने डैश में ही उसको ख़त्म कर दिया। तो यार यही था वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।